ये कपड़े वाली भूतनी। हेलो हेलो हेलो। अरे देखना भाई, गाइस पहले तो नहीं थी आप। ओ मैं लल्लू राम। हेलो, चर्च के अंदर खड़ी है मैडम एक। हेलो आंटी जी। है हेलो हेलो अंकल लोग आंटी लोग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर गेम प्ले। जी हाँ गाइस, यहाँ पर एक हॉरर गेम की पूरी सीरीज चल रही है और हम लगातार हॉरर पे हॉरर गेम खेले जा रहे हैं। तो गाइस आज जो गेम प्ले हम करने वाले हैं, उस गेम का नाम है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। यानी गाइस एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर हमें शिफ्ट करनी है, अपनी नाइट ड्यूटी करनी है। तो गाइस गेम काफ़ी खतरनाक होने वाला है गाइस, और अगर आप छोटे बच्चे हो तो गाइस आपने स्टार्टिंग में ही देख ली होगी वार्निंग। गाइस अगर आप छोटे बच्चे हो तो मत देखना। तो ठीक है गाइस, हमेशा की तरह वही एक चीज की ये है तुर्स ब्रदर्स वाईटी और मैं हूँ आपका वही पुराना दोस्त और घोस्ट तुर्स बाबा। तो ठीक है गाइस, गेम को स्टार्ट करते हैं। मैं न्यू गेम पिकनिक करता हूँ, चलिए देखते हैं ये गेम हमें कितना डरा पाता है, कितना डरा नहीं पाता है, और क्या इतना मजा आता है, कितना मजा नहीं आता है। आइए देखते हैं मजा आएगा। Hey, let's go. तो गाइस न्यू गेम क्लिक कर दिया मैंने। तो गाइस इसमें लिखा हुआ था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो शांति से आती है, शांति से ही चलती है, और वो चीजें आपको मतलब अपनी पहचान बताने की कोशिश करती है। डार्क फोबिया गेम्स कंपनी है गाइस, और मेरा बंदा कहीं गाड़ी लेके जा रहा है। आई थिंक ये किसी ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, ये क्या है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट गाइस गेम का नाम आ गया है। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया गाइस। तो मैं चाहता हूँ गाइस थोड़ा बहुत सपोर्ट और कर दो यार, ताकि भाई के जो जो सपना है ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर का गाइस वो पूरा हो जाए। कौवे काका का क्या कर रहे हैं। ओके तो गाइस ये 1995 का ही जग टाइम है और ये हम किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। आगे कोई बंदा खड़ा है, देख रहा है, लगता है मेरा ही वेट कर रहा है। दो गाड़ियां खड़ी है और गाइस कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया है, एक नंबर। तो चलो भागता है, फिर ट्राई करता हूँ एक बार। गाइस ये तो यही चाहिए मुझे, भागने वाला बंदा चाहिए गाइस। तो ये बंदा कुछ बोलने का लगता है। अंकल जी जय हिंद। जय हिंद दोस्त। नमस्कार। हेलो। I'm glad to see बोल रहा है मेरा नाम, बहुत खुश हूँ तुमसे मिलके। और मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे गार्डियन बनोगे। I know that during the first few nights you might not feel comfortable in this place and may be a bit scared, but you'll get used to it soon. वो गाइस पहले हमको बोल रहा है कि जो तुम्हारी पहली नाइट होगी बड़ी ही मज़ेदार होगी और तुम डर भी सकते हो इस लैंड में, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। यार उसने कहा मतलब, इसका मतलब उसने पहले ही बता दिया था। This cemetery is the most peaceful place at night and you'll find enjoyment in the tranquility and silence of this place. तो गाइस ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये जो कब्रिस्तान है ये बहुत ही शांत जगह है और तुम यहाँ पे रह के बहुत ही खुश होगे। अबे कैसे मजाक कर रहा है, खुश होंगे कि हम कब्रिस्तान में रह के? लल्लू राम पागल हो रहा है। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी ऑफ कोर्स ही बोल रहा है। एंड मेक श्योर नो वन एंटर्स, यू शुड नो दैट मेनी फेमस पीपल आर बरीड हियर। तो गाइस यहाँ पे वो बोल रहा है कि तुमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है और तुम बहुत खुश होगे जब तुम्हें यहाँ पे जो बड़े बड़े लोगों को दफनाया गया है उनकी कब्रों को देखकर। Go to Johnny's to get all the details from him. तो टन से घंटी बजी और उसने बोला कि जॉनी के पास में जाओ, वो तुम्हें बाकी डिटेल्स बताएगा। तो गाइस इसमें लिखा रहा है गो टू सिक्योरिटी रूम एंड टॉक टू जॉनी। तो ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव मेरे गाइस ये खुला है और यहाँ पे मैप खुला हुआ है जिसमें चर्च का दिखा रहा है, फ्यूज दिखा रहा है और सिक्योरिटी रूम दिखा रहा है मुझे, और ये चीज़ दिखा रहा है। भाई तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। ओके तो चलो गाइस हम जॉनी बात वगैरह सुनते हैं। जॉनी अंकल वेयर आर यू? जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर? नो पापा। जॉनी भैया आप ही हो क्या? जॉनी भैया हेलो 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 हेलो
नहीं ये तो कुछ नहीं बोला। अरे चाचा तो खड़ा किस लिए है? चलो चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हम। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। कहाँ टक गया भाई, जगह कहाँ है? सिक्योरिटी रूम में जाना है गाइस, मुझे ऐसा बोल रहा है। तो ठीक है मैं थोड़ा दौड़ दौड़ के चल रहा हूँ। कौवा कौवा का वो रुको रूम में आगे गाइस, वहाँ पर लगता है वो सिक्योरिटी रूम होगा आई थिंक। ओ ये जॉनी है क्या? You must be the new Johnny. You should know that guarding this cemetery isn't easy. तो गाइस ये बंदा बोल रहा है हम जॉनी से मिल गए हैं, और जॉनी भी ऐसे ऐसे कर रहा है बार बार, ऐसे ऐसे इधर उधर नहीं कर रहा है, इधर इधर कर रहा है। तो गाइस ये बोल रहा है मुझे कि तुम यहाँ पे नाइट में गार्ड में रहोगे और तुम इज़ नॉट ईजी, और ये यहाँ पर नाइट में गार्डनिंग करना इतना आसान नहीं होगा, देख रहे हो? The cemetery is equipped with CCTV cameras due to the burial of many famous individuals. You must regularly check the cameras and never let anyone in. Okay. Guys, उसने बोला कि जो जगह है, जो कब्रिस्तान है, ये CCTV कैमरे की फुटेज से जुड़ा हुआ है, पूरा लगा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे, और तुम्हें बीच बीच में रेगुलरली CCTV फुटेज को चेक करना है. Okay. Tonight the cemetery has 3 guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, बोल रहे तीन नए गेस्ट आए यहाँ पर, यानी ये तीन नए मुर्दे आए गाइस। Very attentive at the cemetery. तो गाइस बोल रहा है कि यहाँ तीन बंदे आए हुए, ये तीन आत्मा मतलब कि सॉरी बॉडीज आई थी, और ये इनको कल सुबह दफनाया जाएगा। There's something very important that the priest told me not to tell you. But I'll share it with you. अच्छा तो स्टार्टिंग में लगा वो प्रिस्ट था। Previous night shift guard died of a heart attack, and we found his body at the church door with a bluish complexion and a terrified look on his face. साहब, ऐसे तो डरा रहा हमको। अभी लल्लू राम ड्यूटी करने देगा नहीं देगा? ऐसे डराते रहकर नाइट में तो ड्यूटी कैसे करेंगे हम? तो गाइस ये बोल रहा है हमको जॉनी चाचा कि भाई जो प्रिस्ट था तुमने उस मतलब कि अरे यार अरे कहना क्या चाहते हो? जॉनी हमको बोल रहा है कि तुम्हें प्रिंस ने बताया होगा कि यहाँ पर जो पहले जो नाइट में सिक्योरिटी में गार्ड था बंदा, उसको हार्ट अटैक आ गया था, और उसकी बॉडी चर्च के दरवाजे के पास में मिली थी, और जो उसका फेस था वो बड़ा ही डरावना था, डर के मारे। I don't want to scare you, but I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. उसने बोल दिया है कि ठीक है तुम रात भर यहाँ पे मजे लो, enjoy करो और अलर्ट रहो, और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास फोन करो। तेरी तो भाग गया गाइज, वो चला गया बंदा गाड़ी लेकर। गाइज गेम का ग्राफिक लगभग लगभग ठीक ही दिख रहा है मुझे, ज़्यादा अंधेरा नहीं है, रोशनी है, चांदनी रातें ऊपर को वे घूम रहे हैं। चलो गाइज आगे चलते हैं। वापस बाहर आ गया क्या मैं? अच्छा मैं इसको छोड़ने आया था क्या? ठीक है क्या लिखा है इस पे? व्हाट इज दिस विस्परिंग विंड ग्रेवयार्ड 1907 में गाइस ये बना था। तो अब मुझे करना क्या? ऑब्जेक्ट क्या मेरा? आज द गाइस टू टेक अ सेरेमनी बिकॉज द ओपनिंग द ओके। तो गाइस जो एक बंदा यहाँ खड़ा था ना लंबू सा, तो मुझे उसको यहाँ से भगाना है पहले। उसको बोला चल भाग फूट ले यहाँ से। I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 PM onwards, and I have to lock the gate. Okay. अबे चल कैसे रहा है? देख रहे हो? अबे भाई भाग इधर से। कैसे लॉक करूँ मैं? अच्छा गेट सामने है। Okay. चल देखो इसकी आए 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 आए। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती चल रहा है। भाग इधर से। गेट बंद कर दूं मैं, और ये लग गया लॉक। एंटर द सिक्योरिटी रूम एंड चेक द CCTV। ओके तो गाइस मेरा ऑब्जेक्ट खुला है कि CCTV रूम के अंदर घुसो, और सॉरी अपने रूम में जाओ सिक्योरिटी रूम में, और वहां पे जाके CCTV फुटेज को चेक करो। ठीक है भैया हम जाके चेक कर लेते हैं। और गाइस वीडियो आपको मज़ा आ रहा है तो गाइस जाते जाते लाइक जरूर ठोक देना गाइस, और जब बीच में मज़ा आ जाता है तो यार बीच में ठोक दो। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ अब, मैं तो फंस गया यहाँ। ये क्या है? ये तो रूम चर्च का रूम है। अब सिक्योरिटी रूम में जाना है ना मुझे, तो ठीक है सिक्योरिटी रूम में जाऊँगा मैं। अरे यहीं तो था सिक्योरिटी रूम। सिक्योरिटी रूम गायब हो गया भाई, इधर है क्या? अरे चाचा वेयर इज माई सिक्योरिटी रूम?
यही तो था यार, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अच्छा वो रहा, दिख गया गाइस, दिख गया मुझे सिक्योरिटी रूम। ओके तो ये गाइस हम आगे, यार ऐसा लगा जो खड़ा है। चलो ठीक है, दरवाजा कुंडी लगा दे, करी तो कोई वो तीन गेस्ट आए हुए तेरे पास में फोन। टूनी ओके, यहाँ पे क्या है? नहीं कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक, सब ओके दिख रहा है फिलहाल तो, सब ओके है, डन ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेड़ू, ये भी ओके। और यहाँ पे कुछ निशान दिख रहा है गाइस, पाइप फटा हुआ है यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे। ओके ओके एवरीथिंग इज ओके, और यहाँ पर गेट भी ठीक है, सब ठीक है। और ये कोई रूम दिखा रहा है भाई, कितने कैमरे है, और तीनों बॉडी आराम से सो रही है जो नई है, फ्रेश माल आया है। और ये भी ख़त्म, चलो ठीक है, आना चलेगा क्या, क्या है कुछ जो खुला नया। एग्जामिन द वाटर पाइप, तो वाटर पाइप कहाँ पर है गाइस, वाटर हॉर्स। तो ये मुझे, मैं कहाँ पर हूँ पहले ये देख दूँ, टेक्नीशियन हॉल सिक्योरिटी रूम यहाँ पर है। तो यहाँ से घूमते फिरते घूमते घूमते भाई तो काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा मेरे को, तो कोपचे में कहीं पर है गाना चल रहा है। चलते रहे तू कहीं कोने में गाइस, वो पाइप फटा हुआ था ना। ओके तो देखते हैं गाइस कहाँ कोना है, कौन सा कोना है। इतना बड़ा तो चर्च, कुत्ते भी है भाई यहाँ तो, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। ओके अरे तो काफ़ी बड़ा है यार। तो गाइस यहाँ पे पाइप फटा हुआ दिख रहा है मुझे, तो ठीक है इसको, आई हैव टू क्लोज द वाटर टैंक। तो मतलब वाटर टैंक से क्लोज करना पड़ेगा मुझे उसे, वाटर टैंक से कैसे क्लोज होगा, तो पाइप फटा हुआ है तो कोई पाइप वो होगा आई थिंक मेरे ख्याल से गाइस। देखे क्या पाइप, ये ही है। हैव यू एवर हियर द क्रश ऑफ द डिमांड। ओके नया कोड चेक द सिस्टम, ठीक है वापस से सिस्टम चेक करने के लिए बोल रहा गाइस हमको। हेलो अंकल लोग, आंटी लोग, कैसे आप लोग। कहाँ से आया था, आई कांट बिलीव माई आईस, भाई तेरे आँखों को कैसे भरोसा होगा जहाँ पे भाई। तू पहले ये देख, तू भाई तू ड्यूटी कहाँ कर रहा है, है? कब्रिस्तान में तुम तो ड्यूटी कर रहे हो, तो कब्रिस्तान में तो भाई ये सब चीज़ें दिखेंगी ही दिखेंगी, तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, तो टेंशन वाली वाली बात नहीं है गाइस। तूर बाबा इज हियर, फिकर नॉट इज देयर। चलो ठीक है गाइस, वापस से रूम में आ गया मैं, सीसीटीवी चेक करने को बताना कि ठीक है। नंबर कैमरा वन ठीक है, टू भी ओके दिख रहा है, थ्री भी ओके दिख रहा है, फोर भी ओके दिख रहा है, फाइव भी ओके है फिलहाल तो, सिक्स भी ओके है, छः कैमरे ओके गाइस, सेवन भी ओके है, एट भी ओके है, नाइन में बॉडी नीचे गिर गई, मुँह आ जा रही है, टेन चलो यानी दस कैमरे है गाइस, फिर चलेगा तू। क्या बोला, चेंज ऑफ ऑकर्ड इन द डिस्कशन हॉल, चेक इट आउट। डिस्कशन हॉल में जाना है गाइस मुझे, ठीक है ओके चलो, डिस्कशन हॉल में जाना है गाइस मुझे। ओके डिस्कशन हॉल है, तेरा ही रूम है, चक्कर काट रहा है, गोल गोल घूम रहा है तू। हॉल ढूंढ पहले, हॉल कहाँ है, बाहर तो नहीं है हॉल, ये क्या है भाई, यही है हॉल, यही लग रहा है मुझे गाइस। खुल गया गेट, पानी उनी पड़ा है यहाँ बहुत सारा। भाई साहब ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कोई हीरोइन है मेरे का से इस टाइप की, आई थिंक स्टाफ ओनली, ये नहीं खुलेगा पता है मेरे को। तो गाइस ये बॉडी रखी यहाँ पर, इसको उठा ले और ऊपर लेटा दे वापस, लेट जाओ अंकल आप, गुड नाइट।
तो जाओ, क्या बोले वापस ऑब्जेक्टिव खुला है, गो बैक टू सिक्योरिटी रूम। ठीक है, वापस सिक्योरिटी रूम जाना है हमको। अरे बाबा नहीं 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 नहीं, आई डोंट लव यू, छोड़ दे मुझे जाने। गाइस घटना शुरू हो गई है। बुलाया क्या? बुलाइए। ओके चलो, ये क्या है, ये खोपड़ी कहाँ से आ गई भाई? मुर्दे सुरते बाहर आ गए क्या, डांस वंस कर रहेंगे? वापस सिक्योरिटी रूम में जाने के लिए बोला गाइस। मेरा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है, फोन आया, फोन आया, फोन आया किसी का। चलो आ रहा हूँ। हेलो। कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। क्यों अल्लाह कर रहे हो? अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। क्या था ये, क्या करूं? वैसे चेक करते गए सीसीटीवी रूम में, उसमें बुरा है ना, बार बार जाऊंगा बीच बीच में चेक करना है, कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल तो। नो नो नो, कुछ नहीं इसमें भी नहीं है। ये कौन है? स्पाइडरमैन। तो इसी को पकड़ जालकर, अब गेट के पास खड़ा है ना ये। स्टैंड फ्रंट ऑफ द डोर, फ्रंट दैट डोर, दरवाजे के पास खड़ा। अरे दरवाजा क्यों नहीं खुला? अरे क्या लफड़ा है, बंद कैसे हो गया अंदर में? क्या करूँ अब? अरे ठीक चलेगी। हेलो, ओह कुछ लेटर पड़ा है। तो गाइस इस लेटर में यही लिखा हुआ है कि उसने एक फ्रीटिंग नन को देखा था सेरेमनी की, जो कब्रिस्तान के गेट के पास में, बट आई डोंट, और वो बोल रहा है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ पे जाके उसे उससे बात कर सकूँ। और उसकी आवाज़ें जो है वो करा रहती, कैसे कुछ इस टाइप की आवाज़ आ रही थी गाइस। तो उसने 20 बार जीसस क्राइस्ट बोलता रहा गाइस। उसको नहीं पता था कि ये नन कौन है और कौन है, कहाँ से आई है, और वो ना ही जानता था उसके बारे में, और ना ही उसे डाउट हो रहा था कि ये, मतलब कि ये कोई ह्यूमन नहीं है गाइस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है गाइस यहाँ पर। तो ठीक है, तो हमने इसे डिसमिस कर दिया, और अब शायद मेरे खास गेट खुल जाएगा ना। और भी कुछ है क्या? यू नीड टू रेस्ट। तो गाइस मेरे को ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि मुझे रेस्ट करना है। ठीक है, मैं सो जाता हूँ गाइस थोड़ी देर, आई नीड टेक ए नैप। सो जा मुन्ना, आँख खुलेगी ना तब मजा आएगा तेरे को, अभी तो पूरी रात बची है गाइस। और आप लोग भी कहीं मत जाना क्योंकि गेम में अब आने वाला है मजा। ये क्या आ गया भाई, इतने सारे भाई साहब यार, ओ भाई कुछ रोशनी आ रही गाइस आगे से, रोशनी तरफ चलते हैं धीरे धीरे। इतने सारी कब्रिस्तान है, क्या है ये? ओह यहाँ कुछ आवाज़ आ रही है गाइस, मुझे कब्र है। ओ भाई इसके अंदर से आवाज़ से आ रही है गाइस, क्या करूँ? वेरी गोइंग, बच्चे बोल रहे हैं भाई, कूद जाओ क्या, कूद जा। जय कहाँ पहुँच गया मैं? हेलो ये कौन है? वो दो तीन चार तीन आँख चमक रही थी, क्या सो रहा था ये? सो रहा था गाइज, आँख खुल गई उसकी, सपना देख रहा था ये। ठीक है, और अंधेरा हो गया गाइज, और रात को तो कब्रिस्तान और भी खतरनाक हो जाता है भाई। ये क्या गिरा पड़ा है, क्या है ये? पता नहीं यार क्या है ये। अच्छा स्टोव में उसने कुछ बना रखा था, स्टोव नीचे गिर गया कैसे? लेकिन फ्लैशलाइट है क्या, क्या करूँ इसमें? देखो पहले कुछ नया दिखता है तो। अच्छा खड़, ओ गाड़ी टू टू कर रही है मेरी,
ठीक है, चलो ठीक है, क्या रहा है? पिक द फ्लैशलाइट एंड फाइंड अ वे टू डिस्टेबल द कार अलार्म। ठीक है तो गाइस, भाई टॉर्चर लाइट से गेट खुल गया। चलो एक नंबर, लाइट आ गई गाइस मेरे पास में। अब अंधा हो गया गाइस, अंधेरा, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा और मुझे बोल रहा है कि आप गेट के पास जाओ। वो गाड़ी गेट तो उधर है ना भाई चाचे, पीछे है गेट तो। ठीक है, लाइट बंद चालू हो रही थी। ठीक है चलो चलो चलो, तो भाई मुझे गेट के पास जाकर मुझे लाइट टू कर रही है, उस लाइट को चेक करना है। गाड़ी को फू कर रही है गाड़ी मेरी। आई नीड टूल इन द वेयर हाउस। तो बोल रहे वेयर हाउस में कोई टूल जाता, वेयर हाउस कहाँ है अब ये? चलो ये तो शुक्र है गाइस वो अपना मुड़ जाता है। मम्मे कुत्ते भोग रहे हैं। ओके तो तेरी क्या है, नशे हो रहे हैं क्या? टूल यही टूल है क्या? क्रोबार गाइस मुझे मिला है, इसको पिकअप कर लेना। पिकअप कैसे करूँ? नहीं पिकअप नहीं कर रहा गाइस, पिकअप नहीं कर रहा गाइस वो। और कुछ है यहाँ पे क्या? ये ठीक है, ये टूल एडिट इन्वर्टर, ये टूल मुझे कुछ मिला है गाइस। और कुछ नहीं यहाँ पर, चलो वापस चलते हैं। तो हो सकता है इसी टूल से गाड़ी का वो जो पैप वो जो है। आई हैव डिस्कनेक्ट द कार अलार्म विल अदरवाइज द कार बैटरी मे बी रन आउट। ठीक है तो बोल रहे हैं कार की बैटरी का अलार्म हम ऑफ कर देते हैं, जिससे नहीं तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी। कहाँ है वो रहा? ले भाई तारी काट दिया उसने सीधे। अब क्या है? गो बैक टू सिक्योरिटी रूम। ओके गाइस, तो हमें वापस से अब सिक्योरिटी रूम में जाना है। ठीक है चलो लॉट। कौन बोला बे? तुम्हारी तो मजे ले रहे क्या मेरे? जानते रहे मैं तुम्हारे मजे लूंगा थोड़ी देर बाद। अल्लाह सामने आ गए ना, एक एक को पिटूंगा पकड़ पकड़ के। वो मैं तो मजा कर रहा हूँ। मेरा मुंह तो निकल गया, मेरी जबान टूट गई यार। क्या हुआ? द फ्यूज हैज ब्लोन, फाइंड द फ्यूज। तो गाइस मुझे फ्यूज ढूंढना है, कोने में दिख रहा होगा आपको मैप के ऊपर, कोने में एकदम यार बहुत दूर है वो तो कहीं पे। ठीक है लाइट तो जलेगी नहीं, लाइट चलेगी यार, फ्यूज ढूंढो। चलो फ्यूज के पास चलते हैं, कोई बात नहीं है। फ्यूज लेकिन ऐसे कैसे फ्यूज मिलेगा? दीवार वार के ऊपर है क्या? उसे कोने में दिखा रखा है छोटा सा फ्यूज। अब मोमबत्ती जलेगी नहीं? ये रहा। ठीक है, ओ जल गया भाई, जल गया, अरे जल्दी मिल गया मेरे को। चेक द सीसीटीवीज। ठीक है गाइस, तो वापस सीसीटीवी चेक करते हैं हम। रुको रहा है भगवान का, जल्दी मिल। भाई लल्लू राम में तगड़ा गेम है यार, आज बड़ी खतरनाक आ रही है यार। अरे कहाँ चक्कर काट रहा है चाचे, उल्टा सीधा। अंधेरा भी तो हो गया यार। चलो ठीक है, सीसी भी चेक करने के लिए बोल रहा है उसने वापस से मुझे। ठीक है ओके है, हाँ ओके है, यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, गाड़ी ठीक हो गई, ये भी ओके है, ये भी ओके है। भाई ये हिल गया सब कुछ, बॉडी गायब हो गई यार, दो बॉडी गायब हो गई वहाँ से। क्या करूँ अब, फोन करूँ क्या? नया ऑब्जेक्ट आया, एग्जामिन द चेंज मेड द डिस्कशन हॉल, मेड द डिस्कशन हॉल। तो गाइस वापस से हमें उसी हॉल में जाना है। डिस्कशन हाउ कुड बी बॉडीज हैव राइज्ड, बोला किस वो बॉडी अपने आप कैसे उठ सकती है।
डिस्कशन हॉल कहाँ था? बाहर था। ओके चलो बाहर जा रहा हूँ मैं, बाहर था ना हॉल। गाइस बॉडी तो उठ गई है, कोई बात नहीं, तो वापस लेटानी पड़ेगी लग रहा है गाइस मुझे। चांद छुपा है बादल में, जुल्फ तेरी पैया मेरे। ओके 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 शिट शिट शिट, अरे क्या था, अरे खोल जल्दी से खोल, बड़ी देख। ओ भाई फिर से कुछ आया। फाइंड ए वे आउट, क्या वे आउट, फाइंड द वे आउट, ये है तो जगह यहाँ पर, क्या है, एक ही शुड बी अराउंड हियर, कोई चाबी है यहाँ पे, कुछ लिखा हुआ है गाइस, वी विल नॉट बी बर्ड हियर, बोलो हमें यहाँ मत दफनाओ। तो भाई चाचा मर गए तो दफनाना ही पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे नहीं दफनाओ। कुछ चाबी बोल रहा है गाइस यहाँ पर वो, गाइस इसी वाले रूम में मिलेगी की मुझे कहीं ना कहीं। देख पा ये रही की, फालतू में पागल हो रहा था, उठा लेना अब इसको, अरे उठा को नहीं रहा, उठा ले चलो, एड इन्वेंट्री में हो गई की मेरी ये। ओके चलो अब रास्ता कहाँ गया, वो ये वाला था ना, ठीक है खुल जाएगा वो वाला, खुलेगा क्या भाई, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ओ भाई कुल्हाड़ी मिल गई, अब आया ना मजा कुछ, अब काट दूंगा फाड़ दूंगा सबको। कुल्हाड़ी यूज कर लूंगा देखेंगे, इधर नहीं, अरे भाई इधर, ओ ओ ओ शिट, तेरी तो लाइट लाइट कैसे बंद होगी मेरी, ये यहाँ यूज होगी गाइस ये कुल्हाड़ी, ठीक है, और यहाँ से ये गेट खुला और अब सीधे हम बाहर कूदी मार देंगे, कूदी हम आगे बाहर। ओके अच्छा लोडिंग स्टार्ट, कहाँ गया मैं, शिट, कीप जॉनी इन्फॉर्म्ड बाय फोन, ठीक है गाइस, तो वो बोल रहा है कि जॉनी को जाके एक बार इन्फॉर्म करो, मैं हूँ कहाँ पर भैया, यार जबरदस्त आया था वो गाइस, सीन को मारो गोली, उसकी आवाज़ इतनी जबरदस्त आई थी ना यार कि भाई मेरे तो कानों में ऐसी लगी आवाज़ वो, ठीक है गाइस, तो उस मुझे बोला गया है कि जॉनी के पास फ़ोन करो। ओ तू कौन खड़ा है चाचे, हेलो 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 गाइस, मुन्ना कुल्हाड़ी है मेरे पास, मारूंगा फेंक के कुल्हाड़ी तेरे को, जॉनी पास फोन मार। हेलो जॉनी, जॉनी यस पापा बोल। हेलो मिस्टर जॉनी, देयर इज अ प्रॉब्लम, जॉनी यहां पे कुछ प्रॉब्लम है, आई जस्ट रियलाइज्ड दैट द बॉडीज आर नॉट इन देयर प्लेस, व्हाट शुड आई डू मिस्टर जॉनी, आई कांट हियर यू, कैन यू हियर मी, जीसस ले भैया, ओह जीसस, फोन ही कट गया भैया, चेक द सीसीटीवी, ओके फिर से लगा ले, नहीं ठीक है, तो गाइस उसने जॉनी के पास में फ़ोन किया और बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी हेल्प करो, और वो हम कुछ बोल नहीं पाए, बात नहीं कर पाए उससे गाइस। ये कौन आ गया, जॉनी के चाचा, जॉनी के पापा, तो इसी को पकड़ इस बार जाकर, कहीं कब्रिस्तान के पास में वो कब्र, नो सिग्नल भी आ गया भाई, कैमरा एक नंबर, चलो क्या है गाइस, ऑप्शन ये खुला है मेरा, जो कोई बंदा जो है कब्र को खोद रहा है, तो मुझे जाके उस बंदे को पकड़ना है। ओके चलो जाके उसे चेकआउट करते हैं, कहाँ पर है वो, यहीं कहीं पे खो गया था, लाइट चल रही थी। हेलो अंकल वे आर यू, हेलो हेलो, ओ भाई साहब, अरे गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, तो तेरे को उखाड़ दूंगा मैं, वो यहीं पे था शायद, लाइट जल रही है, आग जल रही है, ओके वहाँ यहीं तहीं था, तो यहाँ से क्या है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, क्या ये,
यार बोल रहा है बेटे यहाँ जितना जल्दी उसे वहां से भाग ले यहाँ से। यार ये कौन था यार, क्या है क्वेश्चन वो? इसके अब तो गेट थ्रू द गेट बोला, गेट के थ्रू भागो यहाँ से। ओके ये क्या है? कुछ नहीं है, भाग ले तू, ये तू कुछ मत देख, गेट के थ्रू भाग पहले यहाँ से। गेट कहाँ है? गेट 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 गेट, लाइट जल रही है मेरे ऑफिस की, ऑफिस ही बंद हो गया तेरा तो। भाग पहले, उसने बोला गेट की तरफ भागो, गेट की तरफ कुछ होगा पक्का। वेयर इज यही गेट है, ठीक है। और ये आगे आ गया, बोला मैं कुछ समय भी कुछ देर थोड़ी देर भी यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। क्या हुआ, खोलना? द लॉक हैज बीन, अरे भाई किसने लॉक ही चेंज कर दिया है, ये क्या चक्कर है? वो बोल रहा है लॉक चेंज हो गया गाइस, वो बाहर लोग खड़े हैं देख रहे हैं तमाशा मेरा, नया अपडेट खुल गया है, तुम सबका बैंड बजाने वाला हूँ मैं, गेट बैक टू सिक्योरिटी रूम। तो एक काम कर गाइस, एक थोड़ा सा मंत्र संत्र मार के इन सबको आत्मा को शांत कर देता हूँ, बैक टू सिक्योरिटी रूम, मुझे वापस सिक्योरिटी रूम में जाना है गाइस। ओके क्या देख रहे हो, मेला लग रहा है यहाँ पर, भागो तुम्हारी तो कंट्रोल, मजाक समझ रखा है यार, जान पे बनी हुई गले तक आ गई, वो क्या बोलते जान अलग में टकी जाके और इनको ये वो पड़ा है, देख रहे खड़े हो गए यहाँ पर मेरे को। तमाशा चल रहा है ना यहाँ पर। खुला, खुल गया, चेक कर एक बार, सब ओके है, सब ओके है। ले भाई चर्च के अंदर खड़ी है मैडम एक। हेलो आंटी जी, हेलो, आ रहा हूँ मैं आपके बाद में। या या नो सिग्नल, चलो क्रॉस उठा ले, नहीं उठा रहा। देयर इज समवन टू चर्च चेकआउट, पूरे चर्च के अंदर कोई है गाइस, तो हमें चेकआउट करना है कि चर्च के अंदर कौन है। तो आ रहा हूँ मैं, यही चर्च है ना। ओ गेट कहाँ गया इसका? अरे अरे भैया गेट ये इधर से है, खुल गए तो यार एक बार में ही। हेलो हेलो, अरे भाई हेलो, चेकआउट है, ये क्या है? वो लेटर मिला पे उसे, तो नोट वगैरह पड़ा है, उठा लेना। तो गाइस एक लेटर मिला है मुझे, ये किसी ने लिखा हुआ है, किसका लिखा है पता नहीं, लेकिन इसमें गाइस लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर दफना दिया गया है, और हमारे लिए एक मैसेज है तुम्हारे लिए कि तुम मतलब कि यहाँ पर एक शैतान है जो कि हमारी आत्माओं को अपने वश में किया हुआ है, और उसने हमें मतलब पकड़ रखा है, और तुम ही एक वैसे बंदे हो जो यहाँ पर आके हमें बचा सकते हो, अगर तुम ऐसा बचा लेते तो ठीक है, और नहीं बचा पाते तो तुम एक ख़तरनाक मौत के लिए तैयार रहो। तो भैया हम ही हूँ ना, बतूर बाबा इज़ हियर, सबकी ऐसी तैसी बैंड बजा दूँगा सबका। क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, बुक वगैरह है गाइस, चलो ठीक है। गेट खुलेगा क्या? ओ ठीक है, ठीक है। और द फुट, तो मुझे इस पैरों के निशानों का पीछा करना गाइस। ओके खुलेगा क्या? खुल गया, एक नंबर, इधर सीधा जा रहा है, चलो चलो चलो, अब इधर जा रहा है, ठीक है, चलो 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 चलो। तीन पैर वाला भूत है क्या? अरे कहाँ गायब हो गया निशान, इधर जा रहा है, ठीक है भाई, ये तो इसमें गया, इधर जा रहा है। ओके फिर आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ भूतनी आंटी, आई एम कमिंग। चिटनी क्या है, चेक द ऑब्जेक्टिव, कुछ हो रहा है क्या भाई?
क्या पे 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 हो रही है? Find the tool, break the top door. टूल तो गाइस वहीं पर था, वो टूल्स रूम में था ना, यहाँ पे कहाँ पे था? अरे अरे भाई यहीं तो था यार, टूल्स रूम जहाँ से मैंने उठाया था यहीं पे था गाइस। एक सेकंड रुको, ये रहा। तो उसमें एक क्रोबार पड़ा था गाइस, हो सकता है उस क्रोबार को उठा के कुछ करे। उठा लिया, एक नंबर। चलो तो अब, अरे चल भाई अब चल के गाइस उस गेट को खोलता हूँ मैं क्रोबार से, शायद गेट खुल जाएगा और फिर इसके अंदर होगा धमाका। तारा तोड़ेगा ना, तोड़ दे, देख क्या रहा है। वन मोर टाइम खुल गया। ओ ओ ओ जेट, अरे तिवारी गायब होगी पीछे से, भाई कहाँ आ गया मैं? चलो क्यों छाया गाइस, टच द अंडरग्राउंड टॉप। तो गाइज हम नीचे आ गए हैं टॉम्प के, यानी कि तहखाने में। और तहखाने लेकिन किसको सर्च करूं मैं अंडरग्राउंड टॉप? अरे किसको सर्च करूं, यहाँ तो भाई स्मित की बॉडी है गाइज। ये आपको पता है जब कब्रिस्तान ऊपर से फुल हो जाता है तो उसको नीचे अंडरग्राउंड करके लाशें दबाई जाती है। हेलो गायब हो गया चाचा, तो डरा रहे हो क्या मेरे को? हैं हैं हिम्मत है लड़ी, जेना पड़ जाए तेरे लल्लू राम। यहाँ भी बंद है, चलो चलते आगे। ओ तेरी तो देख रहा था यहाँ से, कोई था गाइस, कोई था। इधर चल, रास्ता यहीं पे दिखा रहा है, कोई था। दो आग चमक रही थी उसकी, प्रमोशन में दिखाऊंगा आपको। क्या है ये, क्या है, खुल गया क्या ये? क्या है मेन सेट सिटीजेस पेजेस, मतलब विलियम और ब्रोलेन फैमिली यंगेस्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे कोई उसका विलियम और ब्रिटोन फैमिली का यंगेस्ट चाइल्ड दफना रखा है क्या? नहीं खुल रहा गाइस, ये खोले कैसे इसको? इधर क्या है? और इधर खुला हुआ है। ओ भाई डर गया मैं यार, ये क्या है? यार क्या क्या सीन देखने पड़ रहे हैं। नहीं इसे कुछ नहीं है, अरे भाई चाबी मिल गई, उठा ले चाचे उठा ले। अरे उठा, हाँ चलो 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 चलो, अब चलते उसके पास। विलियम वाले की शादी में नहीं, गेट खोलना है मेरे को। कहाँ गया गेट? अरे यार इधर से, हाँ इधर था ये, ठीक है खुल जा। अरे खुल जा, खुल गया गाइस, ठीक है। ए कैंडल आर लिट एंड इफ समवन वाज हियर टुडे, बोल रहा है कि यहाँ पे ये मोमबत्तियाँ जल रही, इसका तो यहाँ पर कोई आया था। अब क्या करूँ मैं, करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा कुछ मुझे। कुलाड़ी पड़ी, उठा ले कुलाड़ी, मेरी इन्वेंटरी में चली गई। मार दे के इसके ऊपर, यही मारना है क्या? ओ भाई यही मारना था, टूट गया। कुछ छेक लेगा क्या इसके अंदर से? क्या करूँ इस बॉडी का, इसमें यार कुछ लेटर पड़ा है, कोई पेपर मिला गया मुझे। तो गाइज ये जो पेपर मिला मुझे, उस पेपर में ये लिखा हुआ है जो उनकी प्रार्थना होती है गाइज, आपने कभी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, ऐसे करके बोलता है, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट एलिस, अल थ्रू द डेविल वाज पोसेस्ड योर बॉडी
और वो बोलता है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि छोड़ दे इसकी आत्मा को, सॉरी इसके शरीर को। तो गाइस कुछ ऐसे इसमें लिखा हुआ है, और बाद में लिखा हुआ है कि ये मतलब कि किसी ने इसके शरीर ने, शैतान ने इसके शरीर में अंदर प्रवेश कर लिया था, और फिर ये भगवान के पास में इसकी आत्मा को शांति मिले। 1917 का ये कुछ लेटर है गाइस। आग लगी, अरे मैंने शांति दे दी क्या उसको? गाइस मैंने आग लगा दी उसके अंदर। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। ठीक है, एग्जिट द टॉम, तुम यहाँ से बाहर निकलना गाइस मुझे। अब खुलेगा, खुल गया, एक नंबर। अब यहाँ से भाग ले, फूट ले बेटा, तुमने आग लगा दी उसको, आज जला दिया क्या उसको? बस मैंने उसको जला दिया यार। चलो भाग भाग यहाँ से बाहर। ओके, आवाज़ें आ रही है कुछ अजीब सी, आपको आ रही है? मुझे तो आ रही है। क्या हो रहा है? इस सीढ़ी गाइस पहले तो नहीं थी आप। मैं लल्लू राम, बाहर निकलना, कुराड़ी मेरे पर मारूंगा साले के सर पे। चलो गाइस ऊपर चलते हैं। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, वो और कुछ है नीचे नहीं, चढ़ जा चढ़ जा। अरे कितना चढ़ेगा, अरे भाई कितना चढ़ेगा, तो चढ़ते जा रहा है। ठीक है गाइस यहाँ पे आ गया हूँ मैं कोपचे में, और एक मेरे ख्याल से एक कहाँ, क्या करूँ अब मैं, अपडेट क्या है? एग्जिट तो बाहर तो आ गया मैं। अच्छा अब कुछ खुलेगा वो, गेट बैक द सिक्योरिटी रूम। तो ठीक है मुझे वापस से सिक्योरिटी रूम में जाना है। ठीक है जाए जाले। ओके सिक्योरिटी रूम में जाना है ना, ठीक है हम जाएंगे सिक्योरिटी रूम में, पक्का जाएंगे। और बाहर देख रहे यार बिल्डिंग विल्डिंग बनी हुई है, तो कुछ इधर से कौन रो रहा है? हेलो आंटी जी, एनी प्रॉब्लम? हेलो आंटी जी, हेलो। अरे क्या हुआ, काले कपड़े वाली भूतनी? हेलो हेलो, अरे देखना देखना। अरे बाबा क्या बोल रहा है, गो बैक टू सिक्योरिटी रूम। यार क्या सीन था भाई, इस पे रोंगटे खड़े हो गए गाइस, सच बता रहा हूँ। इसका थोपड़ा देखो, स्लो मोशन दिखाऊंगा तुम लोगों को मैं। ऐसी चीजें को देखने बड़ा मजा आता है। चूम चूम, कहाँ गया रूम मेरा? हो रहा ठीक है, चांद देखो यार क्या सीन है यार गाइस, ऐसे सीन कभी देखने को मिलते हैं? चांद में धब्बे बहुत है, पर आपको पता है ये धब्बे किस चीज के? पता है, पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो मेरे से पूछे ना, कंपनी बता दूंगा। ठीक है गाइस तो वापस से सीसी रूम में चेक कर रहा हूँ मैं। ये चाचा फिरा गया क्या? ओह ये फिरा गई मैडम। अब ये कहाँ से आ गया तीन? अरे सब कुछ वापस स्टार्ट हो गया। अरे सब स्पाइडरमैन भी आ गया। ओ हटी हड्डी चाचा देख रहा है मेरे को, सब उल्टे सीधे कैसे हो गए, क्या हो रहा है ये? सी यू इन द हेल, तुमको हेलमेट मिल तो कैसे बैठे हुए साले, देखो पागलों को, एक दो तीन चार पाँच छः बंदे बैठे हुए गाइज, लाल 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 नहीं काले। डेविल डज नॉट बर्न, डेविल कभी मर नहीं सकता। तुम तो मरा नहीं हो क्या, मैं करूँ क्या? गेट बंद सिक्योरिटी रूम में, सिक्योरिटी रूम में तो हूँ मैं, क्या करूँ? ओ अब क्या करूँ भाई, दब बंद कर दिया उसने मेरे को। लीव द एरिया, लीव द एरिया, लीव द एरिया, लीव द एरिया। कैसे खिड़की खोल, ओ भाई खुल गई खिड़की। चलो हम गाइस खिड़की खोल के भागते हैं यहाँ से। जा रहा है क्या, लगता है जा रहा है अभी। कहाँ जाऊँ? अरे अरे चाचा जाऊँ कहाँ? ओ बेटे तेरी तो गजब बेइज्जती है।
तो थप्पड़ मार गया लूरा मेरे को, इसकी इतनी हिम्मत। गाइस उसने मुझे थप्पड़ मार के लगता है नीचे डाल दिया है, और बहुत लोग रो रहे हैं यहाँ पर। वेयर आई एम बोल रहा है, मैं हूँ कहाँ पे, क्या मैं मर गया, ऐसे कैसे मर गया भाई, करूँ क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, सच बता रहा हूँ। अब इनमें से मुझे एक कॉफिन ढूंढना है क्या अपने लिए यार, भाई लाइट जलती है क्या, नो फ्लैश लाइट नहीं जल रही है गाइस, क्या करूं, कोई खुल भी नहीं रहा है, सारे खुल के देख, ये नहीं, ये ओ भाई ये खुल गया, खुल गया, देख रहे हो कैसे रो रहे हो लोग, चलो तुम रोते रहो, मैं ये चला, ये कहाँ गया मैं, वापस से कहीं पे आ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ आगे चल के। अरे भाई दरवाजा बंद है यहाँ तो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो गेट था गाइस, ओ भाई, अरे शादी में आए हो गए, इतने सारे खड़े हो तुम लोग यहाँ पर, हैं बारात चल रही मेरी यहाँ पे, अरे भाई कहाँ जाओ अब, ठीक है ठीक है ठीक है, हेलो दारू ले लेके आओ, किसी को चाहिए चलो भाई आगे चलता हूँ, अब खुल गया क्या, एक नंबर, अच्छा वापस सिक्योरिटी रूम में आ गया हूँ मैं अपने, और अब बस इसी चेक करते, नो सिग्नल आ रहा है इसमें, ये क्या लाइट है, ये क्या हुआ, कैसेट 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 मिली गाइस मुझे, और फिर दरवाजा बंद हो गया लगता है, इंसर्ट VHS, VHS कहाँ है, VHS कहाँ है, ये रहा, ठीक है डालो इसके अंदर, अब डालो, ठीक है जबरदस्त गाइस, पहले चलते थे VCR, अब नहीं चलते, TV ऑन ऑन ऑफ हो गई, ऑन कर अब प्ले कर, ठीक है क्या इसके अंदर। Hello there viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whisper. तो गाइस यहां पे उसी कब्रिस्तान के बारे में जो यहां पर उसकी जो कहानी थी उसके बारे में कोई न्यूज़ चाहे है कि क्या है, या कोई वीडियो बना रखी किसी ने और बता रहे कि यहां पे उसकी बॉडी मिली है जो कि शैतान के उसमें था, क्या बोलते कब्जे में। Now the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. हो गया? बंद कर इसको। क्या करूं? वो ये क्या है? तो गैस उसमें VCR में वही कहानी चल रही थी इस कैसेट में कि कोई बंदा यहाँ पे आया था और वो किसी तरह फंस गया था किसी डिमोन के तो शैतान के चुंगल में, और उसके फंसने के बाद में उसकी मौत हो जाती है, शैतान उसके अंदर उसको पोसेस कर देता है, उसके अंदर घुस जाता है, और फिर बाद में पुलिस आती है उसको देखती है, और फिर लोग आसपास के जो लोग थे जिन्होंने देखा था कि भाई वो ऐसे ऐसे किसी चीज़ उसमें फंस गया था, यानी कि शैतान ने उसको मार दिया था। तो यहाँ पे वापस कोई लेटर पड़ा हुआ इसमें हुआ है, इसमें पेपर मिला गया मुझे एक और, उसमें लिखा है डोंट लुक एट अप, तो गाइस मुझे क्लियर मना कर दिया कि ऊपर मत देखना भैया, ठीक है, और मेरा VCR बंद हो गया है ऊपर, तो हम देखेंगे भैया ऊपर क्यों नहीं, नहीं उसने ऊपर से कूद के आया सीधे मेरे ऊपर आया, लेकिन भाई कुछ डरा नहीं इससे मैं, सॉरी भाई सॉरी भूतंकल, डरा नहीं तेरे से मैं। अब क्या सुबह हो गई क्या, चेक करें एक बार, हाँ आ गए सुबह हो गई लग रहा है मुझे, मेरे बंदे ने पूरी नाइट निकाल दी है, नाइट ड्यूटी कर ली है उसने, और अभी कैमरे में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है अलग सा, सब कुछ ओके है, लाशें वापस वहीं पहुँच गई तीनों लाशें, ये भी सब खाली पड़ा है, चलो ठीक है फोन लगेगा, गुड बोला, ये सब हो सकता है, ये सब मेरा नाइटमेयर हो। वैसे गेट भी खुल गया है,
क्या आया मीट द प्रिस्ट एंड एग्जिट द फ्यूनरल। तो गाइस वो बोल रहा है कि प्रिस्ट से मिलो गेट के पास जाकर। सुबह हो गई गाइस, मैंने लगता है फुल नाइट सोया हूँ और सपना देखा है मैंने, ऐसा दिख रहा है मुझे, लग रहा है मुझे। अब प्रिस्ट चाचा बताएंगे कि आखिर कहानी क्या थी। वो खड़ा है सामने गाड़ी लेके खड़ा है भाई, याद मेरे वो गाड़ी में जूजू लाइट जल रही है भाई पीछे हेलीकॉप्टर वाली। हाँ भाई अंकल। How was the first night of guarding at Whispering Winds Cemetery? I think you'd agree that being the guard in this place revitalizes the human spirit. बोल रहा है हमसे, पूछ रहा है ये प्रिस्ट कि भाई तुम्हारी सुबह की पहली रात कैसी रही। तो भाई मेरे तो बुरा हाल हो गया गाइस, सच बताओ तो सीन तो अच्छे अच्छे आए थे। और बोल ऑप्शन में ये आया कि यहाँ से मुझे निकलना है गाइस गेम में, और गेम सेव्ड हो गया है यहाँ पर, और टाटा कर रहा है वो, और हम निकल रहे हैं यहाँ से गाड़ी लेकर। टिंग 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 टिंग, ओ ये कंट्रोल मेरे हाथ में है, एक नंबर। चलो 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 वार में वार में। Hang a weary head and cry. Okay. What may? गाइस ये जो गाना चल रहा है आपको ये बताओ कि ये गाना को क्या बोलते हैं, यानी कि ये क्लासिक है, जैज है, या फिर क्या बोलेंगे इसको? When she starts to tell. ये सिर्फ गाना। Her only loving man goodbye. Goodbye. तो भाई गाड़ी लेकर मैं चले जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ मैं? और ग्रेवयार्ड से भाग के अब क्या अपने घर जा रहा हूँ मैं? आई थिंक अरे ऊपर कोई है, ऊपर कोई है। वो स्पाइडरमैन खड़ा ऊपर गाइस। चलो कोई बात नहीं, तो खड़े रहे, लगता है बाय बाय कर रहा है हमको। बाय बाय। ओ अब कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है गाइस, ये क्या हुआ? गाड़ी यानी गाइस कब्रिस्तान ने हमें नहीं छोड़ा, मेरी गाड़ी ठुक गई। आओ आग भी लग गई। ओ चाचा कैसे तेरा जेड़ा हो गया आ रहा है भाई 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 भाई। गायब गायब गायब। मर गया क्या मैं? ऐसा लग रहा है इसमें पीपीपी फोन कर रहा है। अच्छा मेरा बंदा अभी जिंदा है, खड़ा हो गया वापस। क्या करना है भाई, गाड़ी में बैठा है मुझे क्या? चाचा पीछे खड़ा था, ये मेरा ही वेट कर रहा था। इसकी मां का भोला चेहरा। तो गाइस ये था ग्रेवयार्ड शिफ्ट गेम, कैसा लगा आपको जरूर मुझे बताना कमेंट्स में गाइस। मुझे तो अच्छा लगा गेम, काफ़ी मज़ेदार था। हॉरर इसे मैं नहीं कहूँगा, हॉरर था हॉरर, लेकिन उस टाइप का हॉरर नहीं था गाइस जिस टाइप का गेम मुझे पसंद है। हॉरर उस टाइप के गेम जो मतलब बंदे को एकदम हिला दे भाई, वो होता है हॉरर गेम। था हॉरर गेम लेकिन नहीं गाइस, आप लोग सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और गाइस अगर आपका कोई सजेशन हो तो जरूर मुझे बताइएगा कि ये मेरा सजेशन है और आप इस गेम प्ले के ऊपर करिए। और गाइस एक चीज़ और, 1/1/2024 का वेट करिए गाइस, बस कुछ दिन बचे हैं, क्योंकि उस दिन गाइस वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट हॉरर गेम्स जो मैं उनकी वीडियो एक बना के निकालूंगा सिर्फ आपके लिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक और नई जबरदस्त धांसू वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट बाय।